साल पूरे होने को हैं। गीतों के माध्यम से आप तक आजादी की वो कहानियां पहुंचाने का प्रयास है। पेंटिंग कंपटीशन है पेट्रियोटिक थीम को लेके और आजादी के जो मतवाले जिन्होंने आजादी पाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, वो वीरांगनाएं जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस आजादी को पाने के लिए, वो आजादी के 75 वर्षों पर आप सभी को बताने का प्रयास किया जा रहा। मैं एक बार फिर आप सभी का जिला प्रशासन कटरा की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने को हैं, उस पर मनाया जा रहा है। Hey,
मैं क्या होगा पहले सारे अज्ञानता से हमें तार दे देवा अज्ञानता से हमें। आजादी की जब पहली लड़ाई सन 1857 में, सोचिए वो जज्बा, वो हिम्मत, वो जोश होगा कि भारत को आजाद करवाना है। अपने मन में देशभक्ति का वो जज्बा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन के अंदर ये आज देश की 75वीं जो आज़ादी के महोत्सव मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा और जो हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं यहाँ कठुआ के और गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से, तो ये एक मौका है अपने जो हिस्ट्री है अपनी जो हमारी जो स्वतंत्रता की जो कहानी रही है उसको याद करने के लिए, उन हीरोज को याद करने के लिए जिनका देश की आज़ादी में जिनका योगदान रहा है, रोल रहा है, और जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के अपना जो है वर्तमान कुर्बान करके हमारा जो भविष्य है वो सुधारा है। ये खासकर आज की जो नई पीढ़ी है उसके लिए प्रेरणा स्रोत है कि हम जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारे जिन लोगों ने देश के आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया है उनको हम याद करें और उनकी जो जीवन कथा है उससे हम प्रेरणा लें और हम अपने नेशन, हमारा जो मुल्क है इसका हम नए भारत का निर्माण करें, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी ये नारा दिया है कि न्यू भारत, तो न्यू भारत की हम रचना करें मिलजुल के, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ और ऐसा मैं कामना बात करें। सर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है, शहीदों के स्मारक हैं जिनका पूर्ण उनको करने की ज़रूरत है, क्या उसकी ओर भी कदम उठाया? हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जो शहीद हैं हमारे, जिन्होंने जिस तरह से मैंने कहा कि अपना वर्तमान इसलिए उन्होंने त्याग दिया कि देश का भविष्य उज्ज्वल हो सके, हमारे जो देशवासी हैं, हमारे जो सके संबंधी हैं, हमारे जो अनुज हैं, उनका भविष्य बेहतर हो सके। ये जिस तरह से किसी महान स्टेट्समैन ने कहा भी है कि वो नेशन जो अपने शहीदों का, जो अपने जो सोल्जर्स का जो देश के लिए मर मिटते हैं उनका आदर नहीं करती, उसका ज़्यादा भविष्य नहीं होता। हमें ये प्रसन्नता होती है कि हमारे मुल्क में अपने जो हमारी हिस्ट्री है, हमारे जिन लोगों ने अपनी जानें गवाई हैं देश के लिए और जिनका योगदान रहा है मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, उनको हम सम्मान दे रहे हैं और देते रहते हैं। हमारे भावना ऐसी है।